सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हो मी टॉक्स। तो गाइस, आप सभी को मेरा वीडियो पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो मेगा क्लाउड होता है, वो मेगा क्लाउड में हम लोग कैसे जो भी फाइल है फाइल कैसे आप लोग अपलोड करते हैं, तो उसी के बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मेगा क्लाउड का अकाउंट नहीं है तो मेगा क्लाउड का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग मेगा क्लाउड का अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं और उसमें फ्री में कैसे हम लोग 100 GB तक स्टोरेज लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर खोल लेना है। ब्राउजर खोलने के बाद अगर आपका अकाउंट है तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। अपना आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन हो जाना है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली इस लिंक में आ सकते हो वेबसाइट में। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी से जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन क्रिएट किया है वो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है और साथ ही साथ आपका जो पासवर्ड आपने यूज़ किया है क्रिएट करते समय वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ और अपना पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर डालने के बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना है। जब भी आप लॉगिन में क्लिक करेंगे तो वो आपको लॉगिन हो जाएगा और अपना डैशबोर्ड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो डैशबोर्ड में जाने के बाद जो भी प्रोसेस मैं आप बताने वाला हूँ, फ्रेंड्स देखिए यहाँ में बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे हम लोग अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का, जो जब भी आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। अगर यहाँ पे देखिए एम लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे तो वो डैशबोर्ड में जाएंगे। फिर यहाँ में देखिए क्लाउड दिखा रहा है, क्लाउड ड्राइव, फिर रिसेंट फाइल यहाँ में दिखा रहा है, देखिए शेयर कर सकते हो, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर अभी यहाँ में ऐड करके रख सकते हो, कन्वर्सेशन जो भी है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ में डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी डिलीट करते हो वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ में सेटिंग्स है और आपका फाइल ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन है। ये वेलकम टू मेगा जो है वो आपको एक पीडीएफ दिया जाता है कि वेलकम करके। यहाँ में देखिए लिखा हुआ है फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड एंड न्यू फोल्डर। तो आपको क्या करना, फाइल अगर अपलोड कर रहे हैं तो आपको क्या करना, फाइल अपलोड में क्लिक करना है। तो जब भी आप फाइल अपलोड में क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड करने के लिए जो भी फाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो फाइल आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से हमें से फाइल यहाँ में मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये फाइल रखा था तो इस फाइल को मैंने यहाँ में चूज़ कर लेता हूँ। और इसका फाइल में का MB कितना है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए इसका फाइल है 1.6 GB का वो फाइल है, उसी को आज हम लोग अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको से लेकर के ओपन में क्लिक कर देना है। जब भी आप ओपन में क्लिक करेंगे वो फाइल अपलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरह का आपको एक नोटिफिकेशन देगा, जो आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मतलब दिखा रहा है कि क्या क्या आप कर सकते हो, इसमें पोज कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, यह सब लिखा हुआ है इसमें। क्या करते हैं, इसको गोटिट में क्लिक करते हैं। तो गोटिट में क्लिक करने के बाद देखिए ये जो फाइल है ये फाइल मेरा अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं फास्ट फूड में डाल के, थोड़ा थोड़ा मैं काट काट कर इसमें दिखा रहा हूँ फाइल जो अपलोडिंग होगा मेरा जल्दी जल्दी से। मतलब ये फाइल मैंने अपलोड किया था कम से कम 1.5 घंटा लगा था, क्योंकि मेरा जो 1.6 GB का फाइल है और मेरा नेट भी बहुत स्लो चल रहा था उस समय, तो फाइल मतलब अपलोडिंग होने में बहुत लेट हुआ है। तो यहाँ में पोस्ट कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा फास्ट फूड में इसको डालते हैं और आपको दिखा देते हैं कैसे हम लोग जो फाइल अपलोडिंग होते हैं। तो देखिए ये फाइल मेरा 1% हो चुका है। तो मैं इतना करके सब यहाँ में मैं स्टेप में दिखा रहा हूँ कि कैसे फाइल अपलोडिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये फाइल अपलोड होते होते मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ मेरा वेल आइकन होगा उसमें क्लिक है ताकि मेरा न्यूचर फ्यूचर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। देखिए ये फाइल मेरा अपलोड हो चुका है। और अभी क्या कर सकते हैं, ये जो फाइल है इस फाइल को मैं अभी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। देखिए हमें 3 डॉट लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे जो ऑप्शन है हमें मिल जाता है। और यहाँ में देखिए एक जो फाइल लिखा हुआ है मैनेज लिंक जो है, तो वो मैनेज लिंक यहाँ में से मैनेज कर सकते हो लिंक, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ देखिए रिमूव, यहाँ में से आप रिमूव भी कर सकते हो।